हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्ट क्लास प्रोफेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वीट रिवोल्यूशन। स्वीट रिवोल्यूशन मतलब मीठी क्रांति। कौन सी क्रांति? मीठी क्रांति। आपको इस पिक्चर में समझ में भी आ रहा होगा कौन सी क्रांति? मीठी क्रांति, यानी कि शहद की क्रांति, शहद क्रांति। व्हाइट रिवोल्यूशन आपको पता ही है, व्हाइट रिवोल्यूशन अंडे से भी संबंधित है, ठीक है, एग से, अंडे से संबंधित और दूध से संबंधित। तो मीठी क्रांति या फिर स्वीट रिवोल्यूशन में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो है मधुमक्खी पालन, जिसको एपीकल्चर कहा जाता है। और काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को निम्न में से क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, तो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। कौन सी? स्वीट रिवोल्यूशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि MSME मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 में इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2016 के अंदर शुरू किया गया था। कौन से मंत्रालय के तहत? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, MSME मंत्रालय के द्वारा। इसी की तर्ज पर वर्ष 2017 में हनी मिशन शुरू किया गया था। कौन सा मिशन? हनी मिशन। भारत में मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एकीकृत कृषि प्रणाली के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जाने वाली कृषि आधारित गतिविधि है। इसका महत्व क्या है? फसलों के परागण में उपयोगी है, मतलब जैसे फसलों के फूल वगैरह आते हैं तो उनके अंदर जो बीज होते हैं, ठीक है, वो बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, और परागण यानी कि पोलिनेशन कराने में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे क्या होता है? जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। किसानों की आय में वृद्धि होती है, उत्पादन अधिक होगा, ठीक है, तो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त बहुमूल्य उत्पाद जैसे कि शहद हो गया, मोम हो गया, मधुमक्खी पराग आदि। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। तो इस साल का तो हमने मधुमक्खी दिवस मना लिया है 20 मई को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, NBHM। परिचय, केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना है, मतलब 100% इसमें किसका योगदान है? केंद्र का योगदान है। आत्मनिर्भर भारत योजना के एक हिस्से के रूप में इसकी घोषणा वर्ष 2021 से 2022-23 के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? 2022-23 के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा यह क्रियान्वित किया गया। कौन सा? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। किसके द्वारा? कौन से मंत्रालय के द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का विकास, कृषि बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र यानी कि IDBC, एपी थेरेपी सेंटर और मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना करना, मधुमक्खी पालन के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो ये प्रमुख परिचय हमने देख लिया राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के, और उद्देश्य भी हमने देख लिया कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उद्देश्य यह है कि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना करना, मधुमक्खी पालन के जरिए महिला सशक्तिकरण करना। तो आपको तीन तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मधुमक्खी पालन से महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, तो ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पर ये गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन से महिला सशक्तिकरण कैसे होगा। जब महिलाएं मधुमक्खी पालन करेंगी तो शहद को बेचकर, मोम को बेचकर, ठीक है, और मधुमक्खी परागण को बेचकर वो पैसे कमा सकती हैं और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको समझ में आ गई होगी।